हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप सबके सब बढ़िया होगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले गैलेक्सी टैब A7 लाइट के बारे में। तो ये कोई नॉर्मल टैब नहीं है, मतलब आपको नॉर्मली मतलब कि शॉप्स वगैरह पे मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, बट ये वाला जो टैब है ना, ये हरियाणा गवर्नमेंट है जो यहाँ के 10th क्लास के स्टूडेंट्स है ना, उनको प्रोवाइड कर रही है फ्री में, ताकि वो इजिली स्टडी कर सके इन टैब्स में। तो जो गवर्नमेंट है ना, उनने इस टैब के अंदर एक iOS करके OS डाल के दे रखा है, जिसके अंदर बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर प्ले स्टोर में जाओगे ना, तो आपको सिर्फ 3 एप्लीकेशंस देखने को मिलती है पूरे प्ले स्टोर पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी सर्च करते हो तो आप कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो डिवाइस है ना, फुल्ली कंट्रोल है एडमिन के द्वारा। मतलब यहाँ पर आप ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते, ये सिंपली स्टडी के लिए। जैसा आपको बायजूस वगैरह के जो टैब मिलते थे, सिमिलर वैसा ये टैब है, बट उनसे थोड़ा स्ट्रिक्ट है। वहां पर आप यूट्यूब वगैरह तो कम से कम चला सकते थे, बट इनमें कुछ ऐसा नहीं है। और इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ कि ये टैब है ना, मेरे घर के पास कोई लड़का है, उसको मिला था, मतलब कि तो वो मेरे पास लेके आया कि भैया इसका जो ये सॉफ्टवेयर है ना, इसको बायपास कर दो और मेरे को जो नॉर्मल सैमसंग का सॉफ्टवेयर आता है वो डाल दो, ताकि मैं इसके अंदर यूट्यूब और गेम्स डाल सकूं। तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ भी शेयर करते हैं कि कैसे आप इसको बायपास कर सकते हो, कौन कौन से मेथड है, और एक्चुअली में क्या आपको बायपास करना चाहिए, क्योंकि इसको बायपास करने से कुछ कुछ इश्यूज आने लग जाते हैं जो कि मैंने फेस किए थे। तो सारे के सारे आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है यार, प्लीज उसको हिट कर देना, क्योंकि यार आप वीडियो देख लेते हो और पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, तो कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस टाइप की कुछ बेसिक चीजें के बारे में। तो अगर बात करो इसकी स्टोरेज वगैरह, तो ये 2GB रैम 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलता है, जो कि अराउंड आपको 10,000 से 11,000 देखने को मिल जाएगा अगर आप नॉर्मली लेते हो तो। और ये रहा जो मेन टैब है वो, अगर मैं इसको डायरेक्टली ओपन करके दिखाऊं आपको, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलती है, जो हमारे मतलब की चीफ मिनिस्टर है उनकी फोटो है, और साथ में कुछ ये सिर्फ 3 एप्लीकेशन देखने को मिलती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लिटरली आप यहाँ पर नोटिफिकेशन भी नहीं कर सकते, अगर आपको मतलब की मोबाइल डाटा वगैरह यूज करना है तो सिंपली यहाँ पर आपको एक आइकन देखने को मिलता है जिसपे आप जाके इनको यूज कर सकते हो। तो ये बात हो गई बेसिक इस टैब के बारे में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड है जिससे कि आप इसका जो OS है उसको बायपास कर सकते हो। तो जो फर्स्ट मेथड आता है वो आता है आपका फैक्ट्री रिसेट करने का। अगर आपको फैक्ट्री रिसेट कर देते हो, जो एडमिन वाला लॉगिन पेज है वो हट जाएगा, सिंपली आपको जो सिंपल सैमसंग का OS देखने को मिलता है, 1 UI, वो ही आपको देखने को मिलेगा इस टैब के अंदर। तो उसके लिए सिंपली आपको 2 मेथड मिलते हैं, आप चाहो तो PC से कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इस टैब से भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ टैब वाला मेथड। तो टैब वाले मेथड में आपको क्या करना है, आपको पावर ऑफ कर देना है इस डिवाइस को, और पावर ऑफ करने के बाद आपको पावर वाला प्लस जो वॉल्यूम आपकी है ना, उसको एक साथ प्रेस करना है। तो वहां से आप इसके रिकवरी मोड में चले जाओगे, और रिकवरी मोड में जाने के बाद जो वॉल्यूम अप एंड डाउन वाले बटन है, आप उनको यूज कर सकते हो नेविगेट करने के लिए, और वहां पर आपको फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, उसको आप डायरेक्टली रीसेट कर सकते हो। तो उस रीसेट से आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा डिवाइस को रीसेट होने में, तो उसके बाद कंप्लीटली सेटअप करोगे तो आपको बिल्कुल जो नॉर्मल टैब आता है वैसा ही देखने को मिलेगा। बट उसमें इश्यू क्या है कि मैंने इसको ट्राई आउट करके देखा था, 1-2 दिन तक ठीक चल जाता है, बट उसके बाद क्या है, जो आपको इसके अंदर सिम देके रखते हैं ना, वो जो मतलब कि गवर्नमेंट ने सिम प्रोवाइड की है, वो भी रजिस्टर्ड सिम है, तो उसके अंदर ना तो कोई कॉल्स आते हैं, बट उसके अंदर इंटरनेट एक्सेस है, तो एडमिन दोबारा आपके डिवाइस के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। ये पता नहीं मेरे को भी पहली बार लगा, मैंने बायजूस वगैरह वाले काफी टैब देखे थे, उनमें ऐसा नहीं था, फैक्ट्री डाटा अगर रीसेट करते हो तो कंप्लीटली रीसेट हो जाता था, बट इसके अंदर एडमिन दोबारा एक्सेस ले लेता है आपके पूरे टैब का, और दोबारा से वही आपको जो iOS करके है वही मिलता है सिर्फ 3 एप्लीकेशंस के साथ में। तो पहला मेथड तो ये है कि आप 2-2, 3-3 दिन तक कर सकते हो, या फिर क्या पता आपके डिवाइस में चल जाए, ट्राई आउट करके देख लेना। मेरे में तो ये वर्क नहीं किया था, बट हाँ 1-2 दिन के लिए वर्क कर जाता है, उसके बाद वापस से जो एडमिन है वो भाई इसकी एक्सेस ले लेता है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड मेथड की, जो कि इन सब से ज्यादा बेटर है, बट उसको बहुत ही कम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा टिपिकल मेथड है। वो ये है कि आपको इसको PC से कनेक्ट करना पड़ेगा, और PC से कनेक्ट करने के बाद कोई भी जो ओपन सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप मतलब कि रोम फ्लैश कर सकते हो, उससे डायरेक्टली आप सैमसंग की जो टैब की मतलब 1 UI वाली रोम है डाउनलोड कर लेना कहीं से भी, और डायरेक्टली फ्लैश कर देना, कोई रूट वगैरह के जुड़ने पड़ेगी। तो वो हमारा सेकंड मेथड है, उसके ऊपर मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो ये तो हो गए हमारे 2 मेथड जिसकी मदद से आप जो iOS वाला जो इसका मतलब कि सॉफ्टवेयर है उसको बायपास कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको इस टैब में नहीं करनी चाहिए, और क्या क्या आपको एक्चुअली में इसमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको कोई भी एप्स देखने को नहीं मिलते, तो अगर आपको एप्स एक्सेस करने हैं तो जो पावर वाली की है ना, उसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद आपको जो साइड की वाली सेटिंग्स है उसमें जाके पर्टिकुलर ऐप को बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब ही आप उन एप्स को एक्सेस कर पाओगे डबल क्लिक करके पावर वाले बटन को, मतलब कि शॉर्टकट जनरेट करके सिंपली जो 1 UI में होता है वैसा वाला आपको करना पड़ेगा हर बार, तभी आप एक्सेस कर पाओगे, वरना आप कोई भी ऐप एक्सेस नहीं कर सकते। और वहीं पर सिंपली अगर बात करूं प्ले स्टोर की, तो प्ले स्टोर को भी वैसे ही एक्सेस कर सकते हो, वहां पर भी अगर आपको शो करो तो सिर्फ 3 ही एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, इसके अलावा कोई एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पर, 3-4 जो एप्लीकेशन है। और सिमिलर ये है कि मैंने सोचा कि भाई गैलेक्सी स्टोर है उससे ट्राई आउट करके देख लेते, तो गैलेक्सी स्टोर इसमें ओपन ही नहीं होता है, दे
रखा है, बट मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, सेटिंग में जाके भी ट्राई कर लिया, डायरेक्टली ओपन करने का भी ट्राई किया, बट ओपन ही नहीं होता है। तो काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि इस टाइप के अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं बट वो ओपन ही नहीं होती है। जस्ट लाइक जो आपका सैमसंग का गैलेक्सी स्टोर हो गया, साथ ही साथ आपका क्रोम हो गया, और काफ़ी सारी एप्लीकेशन से कैमरा एप्लीकेशन तक भी यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते हो आप। मतलब इसके अंदर कैमरा है बट वो भी एक्सेस नहीं होता है। तो जो साइड वाली की है उसका यूज़ करके आप जो और जितने भी बेसिक सेटिंग्स वगैरह के एप्लीकेशन है उनको तो एक्सेस कर सकते हो, बट काफ़ी सारी जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली एडमिन ने ब्लॉक कर रखी है, उनको एक्सेस ही नहीं कर सकते। अब बताता हूँ थर्ड मेथड जो कि आप बाईपास करने के लिए यूज़ कर सकते हो, वो है स्टूडेंट काईओएस करके। आपको इसके अंदर एक ऐप मिलता है जो कि एक ओवरले क्रिएट कर रखा है इन्होंने, मेन जो वन यू आई है उसी के ऊपर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, ऐप्स वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको काईओएस करके जो ऐप मिलता है ना उसमें जाके आपको उसकी मेमोरी में जाके उसको फोर्स स्टॉप कर देना है कम्प्लीटली। फोर्स स्टॉप करने से वो ऐप एक बार क्रैश हो जाता है, उसके बाद आपको डायरेक्टली अपना जो डिवाइस है उसको रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट से ट्रम मतलब रीबूट करना है। तो रीबूट कर लेना डिवाइस को एक बार, रीबूट करने के बाद आपकी जो वन यू आई है ना कम्प्लीटली वही देखने को मिलेगी। तो एट लास्ट ये कहूँगा जो काईओएस जो ओएस है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली बिल्ड किया है, मतलब कि काफ़ी पहले और भी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें ये टैब्स प्रोवाइड कर चुके हैं। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने देख लिया कि भाई बच्चे ईजिली इनको चीज़ों को बाईपास कर लेते हैं, तो अब की बार उन्होंने कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ा है। मतलब एक भी जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको मतलब कि बाईपास कर सकते हो। जो एक दो चीज़ें थी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी बाईपास करने के लिए, उसके अलावा आप सिंपली तो इसको बाईपास नहीं कर सकते, कोई एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि जो थर्ड पार्टी इंस्टॉल्ड है वो भी ब्लॉक कर रखा है। जैसे जो मैं आपको थर्ड पार्टी वाला दिखा रहा था ना कि आपको थर्ड पार्टी इंस्टॉल भी यहाँ पर ब्लॉक मिलते हैं, तो सिमिलर मैं आपको दिखाता हूँ क्रोम पे जाके। तो क्रोम का मैंने जो इंस्टॉल अननोन सोर्सेज वाला है वो ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक मतलब कि एरो देखने को मिलता है और नीचे लिख रखा है कि ब्लॉक्ड बाय एडमिन। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जिससे कि आप थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल कर पाओ। मैक्सिमम जितने भी सोर्स है ना वो एडमिन ने ब्लॉक कर रखे हैं, यहाँ पर आप कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। जो बेसिक आपकी जो दो तीन एप्लीकेशन है स्कूल वगैरह वही चलेंगे, इसके अंदर ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर सकते। अगर भाई आपको कम्प्लीटली ही बाईपास करना है तो आप सॉफ्टवेयर को पूरा फॉर्मेट करके और नया सॉफ्टवेयर डाल सकते हो, वो एक इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो सकता है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो ये तो बात हो गई कि भाई इनको कैसे आप इजीली बाईपास वगैरह कर सकते हो और क्या क्या आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं लास्ट एक्चुअली में मतलब कि जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, तो बच्चे एट लास्ट यही करते हैं कि भाई इनको बाईपास करने को इनको ट्रिक ढूंढते हैं यूट्यूब पे। मैंने भी भाई अभी मतलब कि रिसेंट में जितनी वीडियोज देखी हर वीडियो पे लाख लाख दो दो लाख व्यू, मतलब बच्चे इतना ज्यादा वो हो रहे हैं कि भाई हमें इनको बाईपास करना है, एक्चुअली हमें गेम ही खेलना है इनमें, और गेम इनमें चले भी करेगा क्योंकि 2 GB रैम है, उसमें कौन सा गेम चला लोगे आप। ज्यादा ज्यादा यूट्यूब वगैरह देख सकते हो, और जो फ्री इंटरनेट एक्सेस है ना वो भी यूट्यूब वगैरह के लिए ब्लॉक कर रखा है इन्होंने। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस सैमसंग टैब A7 लाइट का जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हरियाणा में, और जितने भी बाईपास के मेथड थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पज और इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए थी, तो इसका प्लीज मिस यूज मत करना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूं।